हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड फॉर सब्जेक्ट हिंदी। बच्चों, आपकी किताब में पेज नंबर 64 निकालिए। निकाला, इसमें क्या दिया है? गतिविधि फॉर, तो आपको इसमें क्या करना है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में, उनके जन्म के बारे में, जन्म स्थान के बारे में और उसके माता पिता के बारे में कुछ वाक्य लिखने हैं। एक गतिविधि आपको अपने आप करनी है। अगर आपको समझ में ना आए तो आप अपने पेरेंट्स की मदद ले सकते हैं। तो आप उनसे पूछकर इसमें गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था आपको पता है? पोरबंदर में। तो उनकी जन्म के बारे में कब हुआ था, तो उनकी पहले जन्म की तारीख लिखनी है, उसके बाद जन्म स्थान यानी उनका जन्म कहाँ हुआ था, जैसे कि पोरबंदर में उनका जन्म हुआ था, तो उनके फिर माता पिता का नाम क्या था, वो सब आपको इधर जो जगह दी है उसमें लिखना है। वो आपको अपने आप लिखना है जिससे आप गांधी जी के बारे में कुछ जान सके। अब पेज नंबर 65 पर अतिरिक्त पठन दिया हुआ है। इसमें से आपको एग्जाम में या टेस्ट में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपको समझने के लिए एक कविता दी है। तो पहले हम एक कविता का गान करेंगे, उसके बाद मैं आपको एक कविता समझाती हूँ। कविता का हेडिंग है अच्छे बच्चे। बच्चों की बात है, लेकिन कैसे बच्चे? अच्छे बच्चे, तूफानी मस्तीखोर शैतान बच्चे नहीं, लेकिन कैसे बच्चे? अच्छे बच्चे। तो पहले मैं कविता आपको गाकर सुनाती हूँ। सुबह सुबह जल्दी उठ जाते, माता पिता को शीश नवाते, गुरुओं का जो मान बढ़ाते, अच्छे बच्चे वही कहलाते। हर दिन पाठशाला जो को जाते, पढ़ने से जी न चुराते, परीक्षा में जो अव्वल आते, अच्छे बच्चे वही कहलाते, मुश्किलों से न जो घबराते, हरदम आगे बढ़ते जाते, काम सभी के जो आते, अच्छे बच्चे वही कहलाते, कभी किसी से न जो लड़ते, सबसे मीठी बातें करते, प्यारे प्यार सभी का जो पाते, अच्छे बच्चे वही कहलाते। समझ में आ गया बच्चों? आपको कविता का गान मैंने करके सुनाया। ये कविता के कवि कौन है? कवि प्रीत। ये कविता किसने लिखी है? कवि प्रीत ने। अब मैं कविता आपको समझाती हूँ। इस कविता में कैसे बच्चों की बात है? अच्छे बच्चों की। अब अच्छे बच्चे किसे कहते हैं वो आपको इस कविता के समझने के बाद समझ में आ जाएगा। सुबह सुबह जल्दी उठ जाते, कैसे बच्चे अच्छे होते हैं? जो सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं। माता पिता को शीश नवाते यानी मम्मी और पापा, माता पिता यानी मम्मी पापा दादा दादी, जो अपने घर में जो भी बुजुर्ग बड़े हो उनको शीश नवाते यानी पैर छूते, वो अच्छे बच्चे कहलाते हैं, यानी उनको आदर देते हैं। गुरुओं का जो मान बढ़ाते, अच्छे बच्चे वही कहलाते हैं। गुरुओं का मान जब बढ़ता है, कब बढ़ता है? जब आप अपने घर में सभी को मान सम्मान से बुलाते हो, सबको आदर देते हो, उससे क्या होता है? गुरुओं का मान बढ़ता है, क्योंकि कोई अच्छी अच्छी बातें कौन सिखाता है हमें? गुरु सिखाते हैं। अब अगर आप घर पे जाकर अपनी मम्मी पापा के सामने बोलेंगे, उनका कहा नहीं मानेंगे, तो क्या कहे? तुम्हें क्या सिखा है अपने, आपके टीचर ने आपको क्या सिखा है? कुछ सिखाया ही नहीं, ऐसा सब बोलते हैं ना, तो उससे गुरुओं का नाम बिगड़ता है। लेकिन हम आप घर पे जाकर अच्छा व्यवहार करते हैं, रोज सुबह जल्दी उठकर अपने माता पिता को शीश नमाते यानी चरण स्पर्श करते हो, तो लोग क्या कहते हैं सब? हाँ, उसके पर गुरु ने उसको अच्छा अच्छा सिखाया है, उससे क्या होता है? गुरुओं का मान बढ़ता है। हर दिन पाठशाला को जाते, पाठशाला यानी स्कूल, हर दिन कहाँ जाते? स्कूल में जाते। पढ़ने से जी न चुराते यानी पढ़ाई करने की उनको आलस नहीं होती, वो जो भी गुरु कार्य देते हैं वो टाइम पर करते हैं, फिर जो तैयार करने के लिए बोला हो शिक्षक ने वो भी करते हैं, तो वो पढ़ने से जी नहीं चुराते। परीक्षा में जो अव्वल आते, अव्वल यानी पहला नंबर लाते, अच्छे मार्क्स लाकर जो पास होते उसको अच्छे बच्चे कहलाते हैं। उसके बाद है,
मुश्किलों से न जो घबराते, हरदम आगे बढ़ते जाते। यानी कोई भी जीवन में मुश्किल आती है तब वो घबराते नहीं है। कौन नहीं घबराता? जो अच्छे बच्चे होते हैं वो घबराते नहीं, हरदम वो आगे बढ़ने की कोशिश करते है। काम सभी के जो आते, यानी घर में जो भी काम कोई बताता तो जो बच्चा सभी के काम करता है ना, कोई कहता है मम्मी बोले कि बेटा ये चीज ला कर देना तो वो ला कर देता है। जो पापा को पानी पिलाता है, दादा और बा को भी मदद करता हो, दादी को मदद करता हो, तो जो ऐसे बच्चे हो वो अच्छे बच्चे कहलाते है। कभी किसी से न जो लड़ते, यानी किसी दोस्तों के साथ, किसी दूसरे के साथ वो कभी लड़ाई नहीं करते। सबसे मीठी बातें करते हैं, यानी सभी के साथ प्यार से पेश आते है। प्यार सभी का जो पाते, अच्छे बच्चे वही कहलाते। जो बच्चे ऐसे अच्छी तरह अपने घर में रहते हैं, दूसरों के साथ बर्ताव करते हैं, वैसे बच्चे सभी को प्यारे होते हैं। प्यारे होते हैं ना, जो बच्चे किसी का सुनते नहीं, घर में पूरे दिन मस्ती तूफान करते हैं, ऐसे बच्चे को पसंद होते हैं किसी को? नहीं होते ना। तो बच्चों, आपको कविता से क्या समझ में आया? आपको भी अच्छे बच्चे बनकर अपने घर में रहना है। मम्मी पापा को, दादा हो, दादी हो, उन सबको आदर देना है, सभी का कहना मानना है, घर में अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है, टीचर ने आपको जो काम दिया हो घर पे करने के लिए वो टाइम पर आपको पूरा करना है, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। ये सब समझ में आया ना? तो आपको भी अच्छे बच्चे बनकर अपने घर में रहना है, तो सभी आपको प्यार करेंगे, सभी आपको अच्छा बनकर आपके साथ प्यार से बर्ताव करेंगे। बच्चों, अब आगे हम जो प्रश्नों के उत्तर बाकी थे कविता के, वो आप समझेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर सब्जेक्ट हिंदी, तो उसमें पहले है मौखिक। तो मौखिक में है प्रश्न नंबर 2 में, कम से कम शब्दों में उत्तर लिखिए। उसमें पहला है क, गांधी जी का पूरा नाम बताइए। तो गांधी जी का पूरा नाम क्या था बच्चों? मैंने आपको कविता जब समझाई तब बताया था, क्या था? गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। क्या था गांधी जी का पूरा नाम? मोहनदास करमचंद गांधी। उसके बाद ख है, गांधी जी के पास कौन गए थे? तो जब गांधी जी कुटिया में बैठे थे तो उनको मिलने के लिए कौन गया था? तो उसका उत्तर आएगा, गांधी जी के पास जवाहरलाल नेहरू गए थे। कौन गया था? गांधी जी के पास जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद ग वाला, नन्हा दीपक कहाँ जल रहा था? तो कुटिया में एक छोटा सा दीपक जलाया था ना, तो कहाँ जल रहा था? तो उसका उत्तर आएगा, नन्हा दीपक कुटिया के कोने में जल रहा था। कहाँ जल रहा था? कुटिया के कोने में। उसके बाद बड़ा वाला घ, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो हमारा देश पहले तो अंग्रेजों का गुलाम था, तो हमारे देश पर कौन शासन कर रहा था? अंग्रेज लोग। उसके बाद गांधी जी ने अपना अहिंसा आंदोलन चलाकर सभी अंग्रेजों को हमारे देश से भगा दिया और हमारे देश को आजादी दिलवाई। उसके बाद हमारे देश में जब शासन चलाने के लिए, आपने कहे थे मैनेजमेंट करने के लिए कोई तो चाहिए ना, तो नई सरकार बनाई गई। तो सरकार में तो पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, उनको प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था। तो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखित में है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें है क, जवाहरलाल जी को लाठी क्यों नहीं दिखाई दी? तो जवाहरलाल नेहरू जी जब गांधी जी को मिलने गए तब वो लाठी से टकरा गए थे ना, तो उनको लाठी क्यों नहीं दिखाई दी? तो उसका उत्तर आएगा, जवाहरलाल जी को रात में अंधेरा होने के कारण बापू की लाठी नहीं दिखी, क्योंकि अंधेरा काफी था और दीपक भी छोटा सा ही था, इसलिए उजियाला ज्यादा नहीं दे रहा था। तो उसके कारण, अंधेरा होने के कारण उनको
लाठी नहीं दिखाई दी। उसके बाद है ख, गांधी जी की लाठी से टकराने के बाद जवाहरलाल जी की क्या प्रतिक्रिया हुई? जब वो लाठी से टकरा गए तो उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी नेहरू जी ने? तो उसका उत्तर आएगा, नेहरू जी ने बोला कि आप प्रेम और अहिंसा के पुजारी हैं, यानी आप तो प्रेम और अहिंसा में मानते हो, फिर पांच हाथ का डंडा क्यों रखा है, तो आप अपने पास ये पांच हाथ का डंडा क्यों रखते हो, ऐसा पूछा। उसके बाद गवाला, उन्होंने गांधी जी से क्या पूछा? तो उसका उत्तर आएगा, जवाहरलाल जी ने गांधी जी से पूछा कि आप तो प्रेम और अहिंसा के पुजारी हो, फिर ये लाठी क्यों रखी हुई है, तो आप अपने पास ये लाठी क्यों रखते हो, ऐसा पूछा। उसके बाद ग, गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू जी को लाठी रखने का क्या कारण बताया? तो लाठी अपने पास रखी है तो उसके क्या कारण बताया गांधी जी ने? तो उसका उत्तर आएगा, गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू जी को उत्तर दिया कि उनके जैसे उद्यमी अर्थात शरारती लोगों के लिए ही उन्होंने लाठी रखी है। गांधी जी ने बोला था ना कि तुम जैसे उद्यमी लड़कों की कमी नहीं है मेरे आसपास, इसीलिए आप तुम जैसे लड़कों को नियंत्रण में रखने के लिए ही मैंने ये लाठी अपने पास रखी है, ऐसा उत्तर गांधी जी ने दिया था। तो गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को क्या बताया कि आपके जैसे जो शरारती लड़के हैं मेरे आसपास, उनको नियंत्रण में रखने के लिए ये लाठी मैंने अपने पास रखी है। तो आपको बच्चों ये सभी प्रश्न के उत्तर मैं पीडीएफ करके भेजूंगी, और टेक्स्ट बुक का जो मैंने अभ्यास के लिए टॉपिक समझाया था ना, लिखा है मैंने, वो भी पीडीएफ करके भेजूंगी। तो आपको टेक्स्ट बुक वाला टेक्स्ट बुक में पूरा फिलअप करना है, और ये नोटबुक वाला नोटबुक में फिलअप करना है। ये प्रश्न के उत्तर लिखे उससे पहले आपको क्या करना है, मैंने आपको जो शब्दार्थ बताए थे ना, वो शब्दार्थ पहले लिखने हैं, उसके बाद मौखिक में जो है ना शब्द, वो शब्द लिखने हैं, उसके बाद ये प्रश्न के उत्तर आपको नोटबुक में लिखने हैं। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। गुड बाय बच्चों।